नमस्ते। नमस्ते। आप हैं राशिद खान साहब, कृषि फार्म नानता के डिप्टी डायरेक्टर। तो खान साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ इंडो इजराइल टेक्निक पे जो संतरे की खेती की जा रही है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मैं किसान भाइयों को और जो हमारे फलदार बगीचों की खेती करते हैं उनको इजरायली तकनीकी के माध्यम से किस प्रकार से हमारे यहाँ पर हम उस तकनीकी को विकसित करके और फलोत्पादन संतरे की फसल को ले रहे हैं उसके बारे में जानकारी देता हूँ। मुख्य बात जो है इस तकनीकी में कि पौधे को उसकी आवश्यकता के अनुसार सिंचाई, उसकी आवश्यकता के अनुसार खाद पानी, कोई सी भी चीज़ व्यस्त नहीं हो, साथ ही उत्पादन अच्छा हो, उसकी गुणवत्ता जो है उत्पादन की वो बहुत अच्छी हो, फल का आकार अच्छा हो, उसमें चमक हो, उसमें मिठास की मात्रा अधिक हो। तो इस सब चीज़ों को समग्र रूप से हम तकनीकी विकसित करके किसान भाइयों को यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं और जो उन्नत किस्म की संतरे की पौध है वो उपलब्ध करवाते हैं। ये जो ऑफिस है ये एक इंडो इजराइल परियोजना है जो भारत सरकार कि जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है उसके अंतर्गत संचालित है। इसमें इजरायली गवर्नमेंट का टेक्निकल सपोर्ट है, बाकी जो वित्तीय सारी मदद है वो राजस्थान सरकार और भारत सरकार की है। मुख्य बात, हम उन्नत किस्म की संतरे की पौध किसान को उपलब्ध कराते हैं जिसका कि रूट स्टॉक और जो फल आता है वो उसकी मात्रा जो है सारी सब निर्धारित होती है। दूसरी बात कि रिज बेड पे जो डोल बंदी है उस डोल के ऊपर पौधे को लगाने के लिए हम किसान को टेक्निक प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से वो बेड बनाए और बेड के ऊपर संतरे की फसल लगाए। उससे दो चीज़ें होती हैं, अधिक वर्षा की स्थिति में पानी भराव से पौधे को बचाया जा सकता है, साथ ही जो इंटरक्रॉप के रूप में वो ले रहा है क्योंकि इंटरक्रॉप में उसने सपोज धनिया लगाया या उसने मेथी ली तो उसका रिक्वायरमेंट अलग होता है और जो संतरे के पौधे का रिक्वायरमेंट अलग होता है, उसका पानी उसको कब देना है, उसका पानी कब देना है। तो इन दोनों को भिन्न करने के लिए रिज बेड पद्धति ये इसराइल से हम लोग लेकर आए हैं। इससे पौधे की बढ़वार अच्छी होती है, उसको जो निर्धारित मात्रा में खाद है और ये सारा ड्रिप पर आधारित होता है जिससे बूंद बूंद सिंचाई से उसके अंतर्गत पानी और उसमें खाद जाता रहता है। तीसरी मुख्य बात कि हम पौधों को उसकी आवश्यकता के अनुरूप फर्टिगेशन खाद, लिक्विड फर्टिलाइजर उसकी आवश्यकता के अनुरूप देते हैं। पौधे का जो आकार है, उसकी कैनोपी है, उसको नियंत्रित रखते हैं जिससे कि पौधे की बढ़वार उतनी ही हो जितनी आवश्यक है, अनावश्यक पौधे की बढ़वार नहीं करवाते और उसके ऊपर निर्धारित मात्रा में अच्छे आकार के और अधिक उत्पादन, अधिक फलाव उस पौधे के ऊपर आवे। तो ये कुछ तकनीकी हैं। साथ ही कब किस दवा का स्प्रे करना है, कब किस कीटनाशक का स्प्रे करना है, कब किस खाद का स्प्रे करना है, उस सारी ट्रेनिंग हम यहाँ पे किसानों को देते हैं और साथ ही उनको रोग रहित अच्छी किस्म के संतरे के पौधे, मौसमी के पौधे, नींबू वर्गीय जो जितनी भी नींबू की किस्में हैं भारतवर्ष में उपलब्ध हैं और विदेशी किस्में हैं उन सबके पौधे किसानों को उपलब्ध करवाने का ये सेंटर है। इस सेंटर में हमने अभी वर्तमान में जो कृषकों के लिए डेमोस्ट्रेशन प्लॉट लगा रखे हैं, हाईटेक नर्सरी है, प्राइमरी नर्सरी है, सेकेंडरी नर्सरी है, प्रोटेक्टेड मदर ब्लॉक है जिनमें कि कोई कीट व्याधि नहीं होती, उनसे बड लेकर पौधा तैयार करते हैं और किसानों को ट्रेनिंग करके यहाँ पे अलग अलग 50-50, 35-35 कृषकों के बैचेस को बुलाकर किस प्रकार से पौधे को लगाना है, पौधे को लगाने के बाद में किस उम्र तक किस प्रकार से उसको सिंचाई करना है, कब कब खाद देना है, कब कब कौन कौन सी दवाइयाँ डालनी है जिससे कि किसान अधिक से अधिक उत्पादन ले सके। वर्तमान में हम इस सेंटर से लगभग 1 लाख पौधा, कलमी पौधा, विभिन्न संतरा, मौसमी, किन्नू, इजरायली वेराइटियाँ और नींबू की जो विभिन्न वेराइटियाँ भारतवर्ष में उपलब्ध है उन सबका उत्पादन करके कृषकों को वितरित कर रहे हैं प्रतिवर्ष। तो अगर मान लो किसी को 1 बीघा में इजरायली टेक्निक से संतरे की खेती करना है, तो क्या फार्मूला है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। इसमें 6 बाई 6 मीटर के ऊपर हम लगभग 3 मीटर की बेड बनाते हैं
जिसे डोल कहते हैं, उस डोल के ऊपर प्लांटेशन करते हैं। तो इसमें 1 बीघा या 2 बीघा 4 बीघा 1 हेक्टेयर में अगर किसान करना चाहता है तो वो जेसीबी की मशीन की सहायता से उन डोलियों को 6-6 मीटर दूरी के ऊपर बना लेता है, और डोली की जो नीचे की चौड़ाई होती है वो लगभग 3 मीटर होती है, और उसका जो टॉप होता है वो लगभग लगभग 1.5 से 2 मीटर का होता है। तो इस प्रकार से उस पे डोल बनने के बाद में वो 1 मीटर ऊंची होती है, जो खेत की सतह होती है। तो एक तो पानी भराव की स्थिति नहीं होती, पानी आसानी से निकल जाता है, और इस डोली के ऊपर ड्रिप सिस्टम की ड्रिप लाइनें लग जाती हैं। उसके बाद लेआउट होकर उस पे संतरे का पौधा लगाया जाता है। इस विधि से लगाने से 2 फायदे हैं किसान को जो इंटरक्रॉप करता है। तो हर फलदार वृक्ष का अलग सिंचाई का रिक्वायरमेंट होता है, कब उसको सिंचित करना है, उस सिंचाई के बाद उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, कब पानी को रोकना है, तो वो सारी चीजें नियंत्रित हो जाती हैं। जबकि फ्लैट पद्धति सिद्धति में जो पौधा प्लांटेशन करते हैं उसमें वो फसल को पानी देता है, उसने गेहूं लगा रखा है या धनिया लगा रखा है उसमें पानी दे रहा है, तो संतरे में भी पानी ला रहा है, जबकि संतरे में पानी का रिक्वायरमेंट नहीं था, आवश्यकता नहीं थी। तो इन सब चीजों से बचकर और अच्छी तरह से उत्पादन लिया जा सकता है। जैसे 1 हेक्टेयर में संतरे की खेती की तो कितना मतलब फल उसमें आएगा, क्या अनुमान रहता है? ये निर्भर करता है, लगभग 4थे साल में फल जो है पौधे पे आने लगते हैं, वो ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं। प्रथम 10 किलो 15 किलो 20 किलो फल शुरुआत होती है, फिर वो धीरे धीरे बढ़कर वो 70 किलो 80 किलो, वो निर्भर करता है कि किसान ने उसको किस प्रकार से उसको व्यवस्थित किया है। लेकिन इस पद्धति से जो फल का आकार आता है वो सबका समान रूप से एक जैसा होता है, उनका जो कलर होता है वो समान रूप से एक जैसा होता है। ये हमारी हाईटेक नर्सरी है, तो इसमें हम 2 तरह की ट्रे लेते हैं ये रफ लेमन तैयार करने के लिए, प्रोट्रेस और ये जर्मिनेशन ट्रेस। तो इसमें जो मिश्रण होता है, 1 भाग इसमें मिट्टी होता है, 1 भाग गोबरी खाद होता है, 1 भाग इसमें सोयल होता है, तीनों का मिश्रण करके अक्टूबर के महीने में लगभग इसमें हम सोइंग कर दी हमने। अभी लगभग लगभग ये 3-4 महीने की पौध हो गई। जैसे ये आधे फिट की हो जाएगी, इनको फरवरी में या फिर जुलाई में इनको जो 12 इंटू 8 इंच की थैली है उसमें शिफ्टिंग कराएंगे। जैसे नीचे वाला पोर्शन है मूल ग्रंथ खट्टा का, जम्बेरी का, तो इस पर जिस वैरायटी की अपन को ज़्यादा डिमांड होती है उसके अनुसार मदर प्लांट से हम पौधे लेते हैं, बड रूट स्टॉक ये स्टिक। तो यहाँ पर जैसे बडिंग करते हैं, बडिंग ये दिख रहा है आपको, तो बडिंग के लिए जैसे अक्टूबर से दिसंबर का टाइम बेस्ट रहता है, उसी टाइम हम बडिंग करते हैं। अब जैसे जैसे ये फुटान होती रहती है ये, और साइड की जो खट्टी में जो फुटान होती है उनको, देसी फुटान, उनको हटाते रहते हैं, अरे पौधा धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है। नर्सरी है तो इसमें अलग अलग तरह की वैरायटियों के पौधे हम किसानों को देते हैं उनकी मांग के अनुसार। ये नागपुर सीड लेस है, और ये अपने क्लेमेंटाइन है संतरा, ये अपने डेजी है ये वैरायटी, और इसके अलावा भी अपने पास बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। ये कटल गोल्ड है, ये मौसमी, और ये अपने प्रीमोंट है, ये ब्लड ऑरेंज है वैरायटी, ये वाशिंगटन नेवल है, लेवल है मौसमी है, ये अमेरिका की है, ये निखाल ये संतरा है, जैसे न्यूसेलर वैरायटी है, और ये वाली वेलेंसिया, ये वेलेंसिया ओलिंडा वैरायटी है, ये भी मौसमी है, और ये जाफा है, ये जाफा भी ये मौसमी है, और इसके अलावा अपने पास ये थाईलैमन है, थाईलैंड का, थाईलैंड की वैरायटी, ये नींबू है। अपने पास लगभग लगभग यहाँ पर 15 तरह की वैरायटी है जो किसानों को हम उनकी डिमांड के अनुसार उपलब्ध करवाते हैं। जैसे इरिगेशन है, फर्टिगेशन है, हम इसके माध्यम से देते हैं, फर्टिगेशन ऑटोमेशन के माध्यम से। ये हमारा कंट्रोलर है, इसमें एक प्रोग्राम रहता है, प्रोग्राम में जैसे ये प्रोग्राम में 3 रहती है, इसमें इरिगेशन है, वाटर रन टाइम है, डोजिंग है, जिस टाइम आपको जितनी टाइम पानी देना है उसमें यहाँ पर अपने इरिगेशन में जाते हैं। इरिगेशन में जैसे अपन को 1 घंटा देना है, 1.5 घंटा देना है, टाइम सेट करते हैं, फिर इसके बाद जैसे अपनी डोजिंग है, अगर अपन को साथ साथ लिक्विड फर्टिलाइजर देना है, इसमें अपने पास 3 वेंचुरी हैं, जिसपे भी अपन को लिक्विड फर्टिलाइजर घोलना होता है, 12 वेंचुरी में घोल देते हैं, और उसके माध्यम से वो सेटिंग करके चला जाता है। और ये है अपना इरीगेशन है, इरीगेशन में अपन को कितनी बजे पानी पिलाना है, हमारे पास इसमें 8 वाल है, तो इसमें 2 वाल चलते हैं, जैसे एक बार में 4 वाल चलते हैं, फिर एक बार में दूसरी शिफ्ट में 4 वाल चलते हैं, इसमें 2 शिफ्ट में टाइम चलता है। इसमें एक बार अपन ने 1 घंटा टाइम भर दिया तो वो ऑटोमेटिक, जैसे 1 घंटा 4 वाल में चलेगा, 1 घंटा
दूसरे राउंड में चार बार में चलेगा, फिर वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। और ये अपना ये कंट्रोलर है, ये अपने मोटर है फर्टिगेशन की, और इसमें ये अपने पास तीन इसमें वेंचुरियाँ हैं, इसमें तीन वेंचुरी हैं जिसपे भी अपन को जैसे लिक्विड फर्टिलाइजर घोलना होता है इसमें घोल देते हैं और उसमें टाइम सेट कर देते हैं डोजिंग में, वो चला जाता है। ये अपना ग्रेवल फिल्टर है, इसमें जैसे मिट्टी आ जाए काय आ जाए उसको साफ करते हैं इसमें। और ये अपना स्क्रीन फिल्टर है, इसमें भी जैसे मिट्टी विट्टी आ जाता है उसको साफ कर देते हैं। और अपने सेंसर भी लगे हुए इसमें, ये सेंसर है, आठ सेंसर है, जैसे इसमें भी ऑटोमेटिक हमारे दोनों बेडों में सेंसर लगे हुए हैं, वो पानी की रिक्वायरमेंट के अनुसार जितना पानी की रिक्वायरमेंट होती है पौधों को उस हिसाब से चले जाते हैं ऑटोमेटिक। और अपना वाटर टैंक है, इसमें पानी की इसमें सप्लाई होती है ऑटोमेशन सेंटर में। ये हमारी पीएचएम मशीन है, इस पर जैसे अपना संतरा है, मौसमी इनको यहाँ पर इसकी यहाँ पर इसको डालते हैं, इसके माध्यम से चलता हुआ आगे इसे यहाँ पर इसमें वॉशिंग होता है, फिर धुलता हुआ आगे जाके ये इसमें प्रोसेस के द्वारा आगे जाके इसमें ये अलग अलग साइज़ के इसमें बंकर बने हुए हैं, जिस साइज़ के हुए उस हिसाब से इसमें सेट हो जाता है, और जो अच्छी क्वालिटी के साइज़ है वो यहाँ पर होता है। तो ये पीछे मशीन है, इसमें ग्रेडिंग और वॉशिंग करता है।